तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया व्लॉग। गाइस, आपने बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखी होंगी, घर देखे होंगे, और आपको ये भी पता होगा कि वो ईंटों से बनाए जाते हैं। लेकिन गाइस, हर किसी को ये नहीं पता होगा कि ईंट कैसे बनाई जाती है। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ईंट कैसे बनाई जाती है और वो कैसे पकाई जाती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे व्लॉग। तो गाइस, इतनी मेहनत से ये लोग ईंटे बनाते हैं ताकि हमारे लिए घर बन सके। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर क्रेन इस मिट्टी को अच्छे से घोलकर तैयार करती है, फिर इस मिट्टी को ट्रैक्टर में भरकर मजदूरों के पास ले जाया जाता है जहाँ पर ईंटे तैयार होती है। तो चलिए गाइस, हम आपको दिखाते हैं कि ईंटें कैसे बनाई जाती हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये ईंटें तैयार होती हैं। गाइस, ये ईंटें बनाने का एक फर्मा होता है जिसके अंदर ये मिट्टी डालकर इसे ईंट का शेप दे देती है। और गाइस, ये मिट्टी वही है जो हमने आपको दिखाया था, वो क्रेन से मिलाई, कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देती है जब ये अच्छे से घुलकर तैयार हो जाती है ये मिट्टी, और इसी मिट्टी से ये ईंटें बनाई जाती है। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से इन ईंटों को सुखाने के लिए रखा जाता है, और गाइस जब ये अच्छे से सूख जाएंगी तो उस चिमनी में इन्हें रखा जाएगा और फिर ये पकाई जाएंगी गाइस। और गाइस, ये यहाँ पर बहुत सारी ईंटें रखी हुई है सुखाने के लिए, और गाइस ये मैंने पहली बार देखी है ऐसे बहुत सारी ईंटें सुखाई हुई। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही बड़ा मिट्टी का ढेर है, और गाइस ईंटें बनाने के लिए यही मिट्टी यूज की जाती है। ओए ओए ओए, जो गाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए ओए ओए, चुरा के दिल तेरा। ईंट भट्टे में ये कुछ इस टाइप की चिमनी होती है, उसके टॉप से धुआं निकलता रहता है जब ईंट पकती है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा। ये देखिए गाइस, हम आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर से, ये पूरा का पूरा ऐसे प्राचीन टाइप लग रहा है, प्राचीन जगह होती है, कुछ इस टाइप का लग रहा है ये। हाँ गाइस, ये कोई प्राचीन नहीं है, ये सिर्फ एक ईंट भट्टा है। और गाइस, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से यहाँ ईंटें भरी जाती हैं, और बाद में गाइस ये पूरी लंबी वहाँ तक भरी जाती है और इन्हें पकाया जाता है इन ईंटों को। अभी इस वक्त ये कच्ची ईंटें हैं। तो गाइस देखिए, ये यहाँ पर कितनी अजीब सी गुफा है, और गाइस ऊपर की तरफ एक टनल टाइप है, सुरंग के जैसा है बिल्कुल ही। और गाइस, आप जो ये दीवार देख रहे हैं इसके पीछे एक वहाँ पर एक वो है बड़ा सा खंबा टाइप, उसके अंदर से ये एक टनल जाती है, धुआं जाता है इसके अंदर से जब ये दीवार यहाँ से तोड़ी जाती है। गाइस, अब मुझे पानी पीना है, और इस पानी पीने के लिए मुझे इतना ज्यादा कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है इस कुएं में से निकाल कर। ये पानी की बाल्टी बहुत भारी है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है इसे निकालने के लिए इसमें से। बहुत ही भारी बाल्टी है, ये मुझसे पकड़ी नहीं जा रही, इसलिए मुझे किसी को हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस, अब हम घर आ चुके हैं, और गाइस उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।